हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं 10वीं क्लास के जो संस्कृत की किताब है पीयूषम, उसके 7वें पाठ में जो दिया गया है नीति श्लोका, उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो श्लोक दिए गए हैं ये धृतराष्ट्र नाम के जो राजा थे उनके मंत्री, यानी कह सकते हैं मंत्रियों में सबसे जो बुद्धिमान मंत्री थे विदुर, उनके द्वारा लिखी हुई रचना विदुर नीति से ये श्लोक संकलित हैं। यानी इन श्लोकों के माध्यम से विदुर ने मनुष्यों को किस प्रकार अपने आप को ऊंचा बनाया जा सकता है इस बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। पहला श्लोक है, यस्य कृत्यम न विघ्नंति शीत मुष्णम भयम रति। यानी यस्य कृत्यम न विघ्नंति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धि र समृद्धि वा सवय पंडित उच्यते। यानी इस श्लोक के माध्यम से विदुर ने यह बताना चाहा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को प्रभावित नहीं करता, यानी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के कार्य या धर्म प्रभावित नहीं होते किस चीज़ों से, समृद्धि में, विपन्नता में, यानी संपन्नता में या विपन्नता में, शीत, ठंडा, गर्मी, भय या किसी प्रकार का लोभ, ये सब चीज़ें जब किसी व्यक्ति के प्रभाव, व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित नहीं करते तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, सवय पंडित उच्यते, यानी वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, मनुष्यों में ऊंचा समझा जाता है। अगर आपके पास संस्कृत की किताब हो तो आप खोलकर देख लीजिए, उसको सामने रख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। अर्थात जो तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, यानी जो व्यक्ति सभी जीवों के सुखों दुखों को अपना सुख दुख मानता हो, यानी अगर किसी को दुख हो रहा है तो उसे वह अपना मान रहा है, किसी को सुख हो रहा है तो उसे भी वो अपना मान रहा है, यानी सबको क्या कर रहा है, सबके जीवन के रहस्यों को वह समझ रहा है, सबको बिल्कुल अपने जैसा समझ रहा है। उपायज्ञो मनुष्यानाम, यानी सभी कर्मों को करने के उपायों को जानता हो, परिस्थिति के अनुसार जिसमें विचार करने की या निर्णय लेने की क्षमता हो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। नरः पंडित उच्यते, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, यानी वही व्यक्ति क्या कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। तीसरा श्लोक है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। यानी मनुष्य को अनाहूतः प्रविशति, यानी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, अपृष्टो बहुभाषते, बिना कुछ पूछे नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब के भाषण नहीं देना चाहिए, अविश्वस्ते विश्वसीति, यानी विश्वास न करने योग्य पर भी विश्वास कर लेना, ये क्या है, यह मनुष्यों को नीचता की ओर ले जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता हो, बिना पूछे कुछ बोलता हो, विश्वास न करने योग्य पर भी विश्वास कर लेता है, वह मूढ़ चेता नराधमः, यानी मनुष्यों में मूर्ख और नराधम, यानी मनुष्य में नीच और मूर्ख समझा जाता है। तो मनुष्यों को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, यानी न उसे बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए, न उसे बिना कुछ पूछे बोलना चाहिए, और यह सोच लेना चाहिए कि किस पे विश्वास किया जाए और किस पे नहीं। अगर ऐसा है, अगर वह यह निर्णय ले रहा है तभी वह ऊंचा अपने आप को बना पाएगा। चौथा श्लोक है, एको धर्म परम श्रेयः क्षमय का शांति रुत्तमा विद्य का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावहा। यानी ये जो चारों कार्य दिए हुए हैं इस श्लोक के अनुसार, वो चारों क्या है, सुख देने वाले हैं। जैसे किसी भी धर्म का पालन करना, यानी उसके नियमों को अपनाना, क्षमा का दान करना, क्योंकि क्षमा करने से क्या होता है, क्षमा करने से शांति मिलती है, शांति प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है क्षमा करना,
विद्य का परमा तृप्ति, यानी विद्या की प्राप्ति से मनुष्य को परम तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, और अहिंसा का सुखावह यानी अहिंसा के पथ पर चलना सुख देने वाला होता है। तो ये चारों धर्म में से किसी के एक का भी अगर पालन किया जाए तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होगी। पांचवा श्लोक है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस्तस्मा देत त्रयम् तजेत। यानी तीन विधियां कह सकते हैं या तीन रास्ते हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं। नरक की ओर कहने का मतलब क्या हुआ कि इस धरती पर ही मनुष्य दुखों को भोगता है। नरक और स्वर्ग में क्या अंतर होता है? नरक का अर्थ होता है कि मनुष्य दुख भोगता है और स्वर्ग में है यानी सुख भोग रहे हैं। सब कुछ देखा जाए तो यहीं पे है। तो ये जो तीन चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य के पतन की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं, यानी मनुष्य को नरक का दुख भोगने की ओर ये ले जाते हैं। पहला जो है काम, ये मनुष्य को क्या करता है? विमूढ़ बना देता है, मूर्ख बना देता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है, और लोभ उसे बिल्कुल ही क्या कहा जाए, आत्मसम्मान जो उसका होता है, स्वभाव आत्मसम्मान उसका मिट जाता है। अगर लोभ करता है तो उसके पास अपना कोई आत्मसम्मान नहीं होता, व्यक्तित्व विहीन हो जाता है वह मनुष्य। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए, इन तीनों को त्याग करना चाहिए मनुष्य को। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में जिसमें बाकी जो पांच श्लोक है उसके अर्थ को मैं बताऊंगी। धन्यवाद।